Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to study on the topic Newton's law of gravitation. So चलिए start करते हैं. So Newton ने पहली बार in the year 1686 में अपना ये famous law of gravitation दिया था. It basically consists of two parts, एक first एक second. ठीक है, तो चलिए देखते हैं Newton's law of gravitation. और actually Newton's law of gravitation is called the Newton's law of universal gravitation बोलते हैं. So Newton's law of universal gravitation. और इस लॉ को उसने दिया था इन द ईयर 1686. और इसका पहला लॉ वाज द फर्स्ट लॉ दैट एवरी बॉडी in the universe attracts every other body, attracts every other body. Iska matlab ye hai ki the bodies, they always attract each other. कोई क्वेश्चन नहीं है, द बॉडी वेदर इट्स अ वेरी बिग बॉडी और वेदर इट्स अ वेरी स्मॉल बॉडी, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. दैट इज द फर्स्ट लॉ. ठीक है, और ये व्हेन दे आर अटैकिंग दे आर अटैकिंग विद द फोर्स, एंड ही स्टेटेड दैट फ्रॉम सेकंड लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of distance of separation between them. तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अफेक्ट एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स. इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव एट सिंगल पर्सन. और ये है कि द फोर्स व्हिच द बॉडी एक्सपीरियंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट टू मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. इसका मतलब ये है कि ऑल द बॉडीज आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. लेकिन एट द गिवन इंस्टेंट व्हेन वी आर सॉल्विंग यूनिवर्स वी ऑलवेज कंसीडर टू बॉडीज. ठीक है, चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं. सो लेट अस से वी हैव टू मासेस, एक मास ले लिया एम वन, ये हो गया ए और इसका मास हो गया एम वन, राइट. और एक मास हो गया बी, इसका मास हो गया एम टू, और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ आर. आर इज द distance between the center of mass of the two bodies. यहाँ ये distance ये नहीं center, into is the distance हो गया ये r. So then as per Newton's law of gravitation, the two masses will experience a force, and let us say the force is F. Then F is directly proportional to the product of two masses m1 and m2, and F is inversely proportional to the square of distance of separation between them. और इधर को combine कर देंगे तो हमारा हो जाएगा F is proportional to m1 m2 by r square. ठीक है, और यू कैन राइट f इज इक्वल टू सम परसेंट g, दैट इज m1 m2 by r square. ठीक है, सो ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का. हम इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है,
और यहाँ g इसको इंट्रोड्यूस किए, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। g इक्वल टू हो गया कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हम इसको ये भी बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन m2 by r square, ठीक है। मान लीजिए m1 is equal to 1 kg, m2 is equal to 1 kg and r is equal to 1 meter। अब इनका वैल्यू पुट कर देंगे तो हम पाएंगे कि f is equal to g into 1 kg into 1 kg divided by 1 meter का whole square, okay। और I can say F is equal to हो जाएगा g newton, और F is equal to 6.67 into 10 to power minus 11 newton। मतलब देख सकते हैं अगर दो masses है 1 kg each with a separate distance of 1 meter, they experience this force, ये force उनको experience करेंगे 6.67 into 10 to the minus 11 meter, the weakest force. And that's what the universe new force exists for that. Again, now, chill in thoda characteristics of force ke bare mein discuss kar lenge. So, characteristics of gravitation. Yes. हम इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं बोल रहे, इसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उस पर जो डिस्कस करेंगे अभी हम खाली फोकस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर। तो इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जैसा हम देखेंगे इट इज व्हाट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। सो हम बोलेंगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of two masses. Number two, it is inversely proportional to the square of distance of separation between them.
हो गया। तीसरा है एडी का सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सपोज वी हैव अ बॉडी ऑफ मास m1, इसका सेंटर हो गया, दूसरा बॉडी है इसका सेंटर हो गया। सेंटर इज अ पॉइंट जो इन पॉइंट डाउन इंडिकेट किया हूं, दीस आर द डॉट्स वेयर वी अस्यूम दैट एंटायर मास द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। अगर मान लीजिए बॉडी मास m है, यहां पर एक नील एक अगर मैं फीमेल करूंगा तो वहां पर बैलेंस हो जाएगा, रह जाएगा ठीक है। सो इफ आई जॉइन द टू लाइंस तो ये हमारा जो फोर्स है, इट ये फोर्स इस लाइन पे एक्ट करता है और ये रिएक्ट करेगा। सो इट इज अ सेंट्रल फोर्स, मतलब वी कैन से दैट इज it acts along the line, along the line joining the two masses ठीक है। और चौथा है it is a conservative force, मतलब दैट इज यू कैन सी दैट इट दैट इज द वर्क डन, द वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स, दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, it only depends upon the initial and final position of the body, it only depends upon the initial and final position of the body of the body। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, देखिए चलिए इसको मिटा देते हैं। क्या लिखा है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज द वर्क डन ड्यू टू दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, इट ऑलरेडी डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। लेट अस से अ बॉडी इज एट पोजीशन बी है ना, उसका पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मुझे लेना है ना, मैं इस पाथ से लूं या इस पाथ से लूं या इस पाथ से लूं है ना, आई कैन टेक एनी पाथ। देखो हर पाथ का लेंथ अलग अलग हो लेकिन वर्क है इस सब केस में क्या होगा, सेम होगा बिकॉज हमारा वर्क एंड डू दिस फोर्स है ना, इस फोर्स के चलने जो वर्क एंड होता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, सॉरी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉरवर्ड, ये पाथ में गया या ये पाथ में गया या ये पाथ में गया, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ था और फाइनल पोजीशन कहाँ था, मतलब हमेशा इस लेंथ के ऊपर, बाकी आप कहीं से भी जाओ इट ऑलरेडी डिपेंड अपॉन द दिस पॉइंट इन दिशा, दिस इज द डिपेंड करता है, ये हमारा हो गया कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है। उसके बाद नंबर 5 में दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, नंबर 5 इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव in nature, कभी पहली कदम है जैसे हमारा मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, वो अट्रैक्ट रिपेल कर रहे हैं बढ़िया कॉमन चार्ज, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बाय नेचर। देन नंबर 6 इट ओबेज द प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब एक बार में एक ही बॉडी से इंटरेक्शन होता है, अगर 10 बार बॉडी इज प्रेजेंट इन एरिया पे यू फाइंड दैट कि इट इज ओनली इंटरेक्टिंग विद वन बॉडी एट अ टाइम, मतलब मान लीजिए यहां पर एक मास है m1, यहां पर एक मास है m2, यहां पर एक मास है m3 और यहां पर एक मास है m4। सो
अगर मान लो ये m2 हो गया, ये m1 हो गया, m3, m4, हम निकालना चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स और मास m1 into m2 into m3 and m4, तो क्या होगा? पहले इन दोनों का फोर्स निकालेंगे, लेट अस से वो हो गया f12, फिर इन दोनों का निकालेंगे ये हो जाएगा f13, फिर इनका निकालेंगे f14, हम क्या करेंगे सेपरेटली सबका फोर्सेस को निकाल दिए एंड देन वी ऐड द एलजेब्रिक वैल्यू, मतलब f रिजल्टेंट is equal to उनका individual forces जो इनके चलते हो रहा है उनको add कर देते हैं, मतलब F resultant will be equal to F12 plus F13 plus F14, हो गया, हम इसको बस इस तरह से proposition, ठीक है। अब चलिए उस expression के बारे में दोबारा लौट के आते हैं, GF is equal to G M1 into by R square, ठीक है। So, ये हमारा था कितना मास m1 और ये हमारा मास m2, they are separated by distance of r, ओके। तो हम क्या लिखे थे, फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, लेट अस से ये m1 मास है, m2 मास है, m1 मास क्या करेगा m2 मास को खींचेगा फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू m2, तो हम क्या लिखेंगे, सो हम लिखेंगे f12 इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। उसी तरह अगर हम फोर्स कंसीडर करेंगे मास m2 के ऊपर तो उसको भी खींचेगा मास m1 अपनी तरह, ऐसा f21 लिखते हैं उसको, तो हम क्या करेंगे F21 मतलब फोर्स ऑन मास F2 डिवाइडेड M1, तो F21 इज इक्वल टू फोर्स ऑन मास M2 ड्यू टू M1, और ये राइट F21 ये ऊपर एरो देना मत भूलिएगा, है ना, इट इंडिकेट दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो F21 इज इक्वल टू G M1 M2 by r square, okay। अब देखेंगे f21 और f12 की एक्सप्रेशन पूरा सेम है, एग्जैक्ट यानी एप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली सेम है, दैट मींस आई कैन राइट f12 इज इक्वल टू f21, हम क्या लिख सकते हैं f12 इज इक्वल टू f21, हो गया। लेकिन हम देखेंगे f12 का डायरेक्शन इधर है, f21 का डायरेक्शन उधर है, मतलब बोथ आर 180 डिग्री अपार्ट, मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो अलग है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम डाल सकते हैं f12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21, इसमें क्या पता लगता है, दैट इज बोथ द बॉडीज आर एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। या फिर अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो क्या होगा, देखें तो हमारा हो गया f12, f12 is plus f21 is equal to zero, मतलब ये entire system में force क्या हो गया zero, ठीक है। मतलब अगर मान लो ये हमारा active force है तो ये हमारा reactive force हो गया, और अगर ये action है तो reaction है, for as per Newton's third law of motion we have reaction there is an equal and opposite reaction, तो इसमें एक चीज हम देख रहे हैं mass m1 m2 दोनों अलग अलग mass है, चाहे मान लो m1 is greater than m2 या फिर m1 is less than m2 और m1 is equal to m2, हम इधर देखना the force will already see, so earth हमको जितना force से खींच रहे होते हैं force से हम earth को खींच रहे, don't get confused, ये मत सोचना कि हम छोटे तो earth हमको ज्यादा force दे रहा है और हम छोटे हैं इसलिए हम earth को कम force दे रहे हैं, नहीं, we if I am pulling the earth तो earth जितना force से मुझे खींच रहे होते हैं force से हम भी earth को खींच रहे हैं, इसमें हमारा बड़ा छोटे का कोई ऐसे योगदान नहीं है, मतलब इसमें क्या होता है m1 जहां it will tend to zero, m1 जीरो की तरफ टेंड करेगा या m2 इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इन स्पाइट ऑफ दैट बोथ रिस्पेक्ट द सेम फोर्स, क्योंकि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस,
कोई एक मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. इसीलिए क्या होता है, व्हेदर यू आर अ स्मॉल बॉडी एंड द समबडी एल्स इज अ वेरी बिग बॉडी, उसे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, कोई एक सिंगल मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. हो गया, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन.